केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिख चल रहे हैं। नहीं हुई 15,000 से ज्यादा कम वय की बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और प्रतिदिन 19 बलात्कार के मामले राजस्थान में सामने आए हैं। देश भर के जो बलात्कार के मामले हैं उसमें से राजस्थान में 22% बलात्कार के मामले हैं और यहां तक कि अब दरोगा भी बलात्कार के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। फिर भी अशोक गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं हिलता है। ये महिलाओं का गुस्सा हम जहां जहां गए वहां हमें दिखाई पड़ा है और महिलाएं एकजुट होकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर में आती हैं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना, पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी, आराम से वो जवाब दे रहे थे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख किसी का नहीं देखा है। कोई महंत को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है मगर आज भी वो क्षेत्र के अंदर अवैध खनन खुले आम चल रहा है। मित्रों, कई सारे जल जीवन विभाग, विशन खनन विभाग, उदय सागर झील, प्रतापगढ़ की मार्बल की खान, कालीसिंह डैम, गरीबों के राशन के अंदर गपला, ढेर सारे गपले घोटाले के मामले सामने आए हैं। किसानों का हाल भी बेहाल है। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर आई हुई गहलोत सरकार 5% किसानों का कर्ज भी 5 साल में माफ नहीं कर पाई। लगभग 19,000 से ज्यादा किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया है और दर्जनों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पूरे किसान गहलोत सरकार के खिलाफ लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हुए हमने देखा है। भर्तियों में पेपर लीक के मामले एक प्रकार से सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। पूरे देश भर में 15 से ज्यादा पेपर लीक के मामले कहीं नहीं देखे गए। 40,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी युवा जिस भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले थे, जिन्होंने ट्यूशनों के पैसे लगाए हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर कर तैयारी की है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और दूसरी ओर ये सभी मामलों के बाद भी उन्होंने एक भी जगह परिणामदायी जांच कर नसीहत करने का काम नहीं किया है। मित्रों, राजस्थान में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे धार्मिक नेता हो, धार्मिक गुरु हो, सभी लोग इस सरकार के से त्रस्त हैं। मैं जब राजस्थान आना शुरू किया तब हमारे कुछ नेताओं ने मुझे कहा था कि साहब, सोच समझ कर रणनीति बनाना, गहलोत साहब जादूगर हैं। मगर मैंने आज पूरा दौरा करके मन बनाया है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को गायब किया है, नौकरियों को गायब किया है, खाने पीने की चीज को गायब किया है, अच्छी कानून और व्यवस्था को गायब किया है। अब जनता ने मन बना दिया है कि इस बार जनता जादूगर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
मोदी जी के नेतृत्व में देश को मोदी जी ने सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाए हैं, तिरंगे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया और G20 में भारत की कूटनीति का ध्वज समग्र विश्व में लहराकर विश्व में भारत को सम्मान देने का काम भी मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता एक